यूएफसी 288 खत्म हो गया और क्या बोला था मैंने, जीतेगा एल्जमिन स्टर्लिंग, जीतेगा बिलाल मोहम्मद, और दोनों प्रेडिक्शन सही हो गए। इनफैक्ट मेरी 5 में से 4 प्रेडिक्शन सही हुई है, क्रॉन ग्रेसी वाली प्रेडिक्शन गलत हुई। बस आप सब मेरा वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हो। तो इसके बाद भी अगर आपको मोटिवेशन नहीं मिल रहा है कि मेरा चैनल आपको सब्सक्राइब करना चाहिए, तो आई डोंट नो आप कैसे मोटिवेट हो गए। तो डेफिनेटली ये एक मोटिवेटर है कि अगर आपको प्रेडिक्शन चाहिए, एक्यूरेट एनालिसिस चाहिए वीडियोज़ का, तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि एल्जमिन स्टर्लिंग ने अपने लेटेस्ट पोस्ट फाइट प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोला। देखिए, बहुत सारी चीजें बोली जा रही थी कि एल्जमिन स्टर्लिंग ने फाइट नहीं जीती, बहुत क्लोज डिसीजन था। फाइट से पहले भी बोली जा रही थी कि ये सारी चीजें एल्जमिन स्टर्लिंग टिक नहीं पाएगा हेनरी सहूडो के साथ, वगैरह वगैरह। मैंने तो ये सारी चीजों को पहले ही मिथ को बस्ट कर दिया था कि ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट होने से कुछ भी नहीं होता, आपके पास एज का फैक्टर आ जाएगा, आप एज के फैक्टर को पीछे नहीं छोड़ सकते, रिंग रस्ट को पीछे नहीं छोड़ सकते। और सेम चीजों की बात करी एल्जमिन स्टर्लिंग ने भी यहां पर पोस्ट फाइट प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और वहां पर उन्होंने यही बोला कि देखिए, एल्जमिन स्टर्लिंग वहां पर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थे जब फाइट खत्म हुई कि उनको ये विक्ट्री दी दी गई है, लेकिन स्टिल आप जानते हो जजेस किसी की तरफ भी जा सकते हैं। और मेरे हिसाब से भी ये फाइट जब लास्ट राउंड में गई थी, क्लोज डेफिनेटली थी फाइट, 5th राउंड में जाने से पहले 2-2 दोनों को हो सकता था या 3-1 एल्जमिन स्टर्लिंग हो सकता था। यहाँ पर एल्जमिन स्टर्लिंग ने ये बोला कि उनको फाइट का डिसीजन मिलने का एक और बहुत बड़ा रीजन था। आप सब देख सकते हो एल्जमिन स्टर्लिंग का फेस बिल्कुल भी डैमेज नहीं है, यहाँ पर एक स्क्रैच तक नहीं पड़ा है उनके फेस पर डेफिनेटली। और साथ ही साथ एट द सेम टाइम अगर हम हेनरी सहूडो को देखेंगे, बहुत ज़्यादा डैमेज ले लिया उन्होंने, और एक डैमेज भी एक बहुत ही बड़ा फैक्टर होता है। और आज के रिसेंट टाइम्स में हमने देखा है, पिछले कुछ सालों में यूएफसी के जो जजेस है वो डैमेज को बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, जिस पे ज्यादा डैमेज होता है उसको थोड़ा कम मानते हैं। तो डेफिनेटली डैमेज विजुअल है और विजुअल चीजें ज्यादा दिखेंगी जजेस को, और उससे आपको पॉइंट स्कोरिंग ज्यादा मिलेगी। बस एल्जमिन स्टर्लिंग ने यहां पर बात करी कि उन्होंने क्लिंच वर्क बहुत ज्यादा प्रिपेयर करा था हेनरी सहूडो के लिए, क्योंकि देखिए रेसलर्स ज्यादा आपको फोर्स करना चाहेंगे, आपको अगेंस्ट द बैक डालना चाहेंगे, तो ऑब्वियसली क्लिंच वर्क और नी वर्क, जो कि हमने देखा बहुत सारे हैवी नीज मारे थे एल्जमिन स्टर्लिंग ने, इसी के कारण हम देख सकते हैं हेनरी सहूडो थोड़ा लेबर्ड भी था लास्ट के राउंड्स में, थोड़ा स्लो डाउन हो गया था। तो डेफिनेटली ये सारी चीजें जो कि उन्होंने बोला भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब बात करते हैं यहां पर मेन मुद्दा, जो इसके लिए आप सबको पता है, हेनरी सहूडो के साथ जब इनकी फाइट खत्म हुई और इंटरव्यू के बाद वहां पर शॉन ओ'मैली आया ऑक्टागॉन के अंदर, और काफ़ी सारी चीज़ें हुई उसके बाद, दोनों के बीच में एक बहुत हीटेड कॉन्फ्रंटेशन हो गया, जो कि इसके बारे में भी उन्होंने बात करी। उन्होंने यही बोला है, देखिए हम सबको पता है अब अगली फाइट डेफिनेटली बैंटम वेट डिवीजन में एल्जमिन स्टर्लिंग वर्सेस शॉन ओ'मैली की होने वाली है, और शॉन ओ'मैली देखिए बहुत बड़ा मार्केटेबल फाइटर है यूएफसी के लिए, यूएफसी का जो बेबी फेस कहते हैं ना वो है, यूएफसी इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है, लेकिन यहाँ पर ये कोई भी हाइप को बाय नहीं कर रहे हैं एल्जमिन स्टर्लिंग। एल्जमिन स्टर्लिंग का बोला है कि अगर वो एल्जमिन स्टर्लिंग फाइट करते हैं शॉन ओ'मैली के साथ, तो उनको एक राउंड के अंदर फोल्ड कर देंगे लॉन चेयर की तरह, क्योंकि आप देख सकते हैं, देखिए एल्जमिन स्टर्लिंग को बहुत ज़्यादा इजी होगा। आज के टाइम पे हम देख रहे थे एल्जमिन स्टर्लिंग जो टेक डाउन करना चाह रहा था हेनरी सहूडो, उसको डिफेंड क्यों कर पा रहा था, क्योंकि वो एक ओलंपिक लेवल का रेसलर है, उसका टेक डाउन डिफेंस बहुत ज़्यादा है और हेनरी सहूडो की हाइट बहुत कम है, जिससे टेक डाउन कर पाना उनको बहुत हार्ड था। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम यहाँ पर देखेंगे शॉन ओ'मैली की हाइट बहुत ज़्यादा लंबी है, देखिए हाइट लंबी होने से आपका टेक डाउन डिफेंस थोड़ा बेटर भी हो जाएगा, बट आप टेक डाउन के लिए ज़्यादा ससेप्टेबल भी हो जाओगे। देखिए कहा जाता है, एक हमारे में कहावत होती है कि जो लंबे पेड़ होते हैं वो सबसे जल्दी कटते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लॉन्ग ट्रीज फॉल डाउन द फर्स्ट, क्योंकि उन एक हाइट का आपको एडवांटेज भी होता है ऑक्टागॉन के अंदर, और उसका सिग्निफिकेंट डिसएडवांटेज भी है, जो कि यहाँ पर एल्जमिन स्टर्लिंग ने बोला है कि अगर वो फाइट करेंगे शॉन ओ'मैली के साथ उनको इजीली क्रम्बल कर देंगे। एल्जमिन स्टर्लिंग का कहना है कि अगर वो ओलंपिक चैंपियन को 4 बार टेक डाउन कर सकते हैं, तो वो शॉन ओ'मैली को भी डेफिनेटली कर सकते हैं। तो इस फाइट के ऊपर भी हम आगे रिव्यू वीडियो बनाएंगे ज़रूर से, इसको भी पूरा क्लोजली कवर करेंगे चैनल पर। बात यहाँ पर फ्यूचर की, तो फ्यूचर के लिए यहाँ पर एल्जमिन स्टर्लिंग ने यही बोला है कि सिर्फ उनकी एक फाइट यहाँ पर बाकी है बैंटमवेट डिवीजन में, इसके बाद वो मोस्ट प्रॉब्ली मूव ऑन कर जाएंगे, क्योंकि इसके बहुत सारे रीजंस हैं। एक तो रीजन उन्होंने बताया कि वेट कट काफी टफ हो गया, वेट कट इसलिए टफ नहीं हुआ है कि उनको बहुत वेट कट करना पड़ रहा है, बट ये करना पड़ रहा है क्योंकि वो बहुत लीन है, उन पे पूरा मसल मास है और ज्यादा फैट लूज नहीं करते हैं, और मसल मास लूज करना तो बहुत ज्यादा टफ होता है भाई, और फिर उसके टाइम पे आपको ट्रेनिंग कैंप में भी प्रिपेयर करना पड़ता है। तो ये ऐसे चीज हो जाती है ना, जो फाइटर ज्यादा वेट कट करते हैं, वेट कट उनका ट्रेनिंग कैंप पे पूरा ध्यान होता है कि वेट कट ही कर रहे हैं, वेट कट पे स्किल्स इंप्रूवमेंट में काम कम हो जाता है। तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें, अगर वो फेदर वेट डिवीजन में जाएंगे तो उनको वहाँ पर एक ब्रीद ऑफ फ्रेश एयर मिलेगा, ऐसा कहना है एल्जमिन स्टर्लिंग का। तो यही सारी चीज़ें थी जो कि मैंने ओवरऑल आप सबको बता दी है, और मोस्ट प्रॉबली उन्होंने यही बोला कि जब वो मूव ऑन कर जाएंगे तब बिलाल मिराब डॉलिशविली को शॉट मिलेगा, टाइटल शॉट बैंटम वेट डिवीजन का, जो कि उनके फ्रेंड है वहाँ पर।
और पर्सनली अगर मेरा ओपिनियन माने तो मेरे लिए आज एल्जमिन स्टर्लिंग की रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई। मैं पहले से ही बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता था और स्टार्टिंग से ही मैं सपोर्ट में था एल्जमिन स्टर्लिंग के, बट यहाँ पर उसने अपने आप को आज प्रूव भी कराया और फाइट के बाद एक अच्छे चैंपियन की तरह हम्बलनेस भी दिखाई है। डेफिनेटली कोई ट्रोलिंग नहीं, कोई ट्रैश टॉकिंग नहीं फालतू की, जो कि मेरे को बहुत अच्छा लगा और मेरी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई आज की फाइट के बाद एल्जमिन स्टर्लिंग के लिए। अब आप सब मेरे को अपना ओपिनियन बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में, जो भी आपका ओपिनियन होगा प्लीज़ मेरे साथ शेयर जरूर करिएगा, डिस्कस जरूर करिएगा। आज लाइव स्ट्रीम पे भी बहुत मज़ा आया आप सबके साथ वॉच अलॉन्ग करने में। अगर आपको चैनल का कॉन्टेंट पसंद आया होगा ऐसा ही एक्यूरेट प्रडिक्शन और एनालिसिस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है आप सबके लिए। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा पसंद आया होगा तो। टिल देन मिलता हूँ आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।